जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। हमारे देश में दुनिया भर की समस्याएं हैं बालों की। बहुत सारे लोग परेशान हैं बालों की समस्याओं को लेकर, और इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट भी मार्केट में चल रहे हैं। अब समस्या इन प्रोडक्ट के साथ में और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये आपको सही बात बता के नहीं चलते। ये दावा करते हैं कि आप इनको लगाइए और उसके बाद जो है आपके बाल जो है लंबे लंबे हो जाएंगे, री ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, डैंड्रफ तो डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो तो बाल सफ़ेद भी जो है काले हो जाएंगे, बाल मजबूत हो जाएंगे, बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा। अब यही मेन समस्या होती है हर एक आदमी की। तो दोस्तों आज आपको एक छोटी सी एक किट बताऊंगा मैं, जिसका प्राइस लगभग आपको 1000 रुपये पर मंथ का पड़ेगा, जिसको आपको 5 से 6 महीने यूज़ करना ही करना है एक ठीक ठाक अच्छे रिजल्ट के लिए। और आपको ये जो किट है ये ऐसी है कि मोस्टली सभी लोगों पर काम करेगी। तो बजाय इसके कि आप 2, 2.5, 3, 3 हज़ार रुपये की किट खरीदो, या फिर आप बहुत सारे पैसे बर्बाद करो फालतू के तेलों में या बिना वादे की चीज़ों में, तो बेहतर है कि आप सर्टिफाइड चीज़ के पास के साथ जाओ और अपना रिजल्ट पाओ। तो दोस्तों इसमें कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले सारी चीज़ बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अगर आपको अच्छी और सच्ची वीडियो देखने का शौक है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे, कोई कमी मेरी वीडियोस में लगे, तो आप मुझे सजेशन दीजिए, मुझे डिसलाइक भी कर सकते हो मेरी वीडियो को। तो दोस्तों देखिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या है, दुनिया भर के इस समय पर आदिवासी ऑयल, एवमी हर्बल हेयर ऑयल, ट्राया और मैन मैटर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती आ रही हैं इस समय। सब लोग आपको बताते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन पूरी बात कोई भी नहीं बताता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा तेल, कोई ऐसी मिनोक्सिडिल, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी खाने की दवाई, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है अभी तक जो कि गंजी बिल्कुल चिकनी टाट पर, चिकनी खोपड़ी पर बाल उगा सके। तो सबसे पहली शर्त तो यह है दोस्तों कि अगर आप बालों की री ग्रोथ चाहते हैं, बालों को बड़ा करना चाहते हैं, बालों की हेल्थ बढ़िया करना चाहते हैं, तो आपकी जड़ें मौजूद होनी चाहिए, सिर पर स्कैल्प पर मौजूद होनी चाहिए जड़ें। भले ही आपके बाल छोटे छोटे बचे हुए हों, कमजोर बाल हों, लेकिन वो होने चाहिए। अगर आपकी जड़ें भी खत्म हो चुकी हैं सिर पर, तो हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी तरीका नहीं होता। और हेयर ट्रांसप्लांट जिन लोगों को ज़रूरत है कराने की, हमारा दूसरा चैनल है अनुराग्स हेयर ट्रांसप्लांट सपोर्ट, वहाँ पर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके सिर पर जड़ें मौजूद होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट खरीदना है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, मिनोक्सिडिल। कोशिश करिए 0% एल्कोहल की अगर मिनोक्सिडिल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो जो बेस्ट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको खरीदनी है वो है मल्टीविटामिन। होता क्या है कि जब पोषण बालों तक नहीं पहुंच पाता, या आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जिसकी वजह से जो पौष्टिक आहार है, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो बालों तक नहीं पहुंच पाते, तो उसकी कमी की वजह से बाल टूटने लग जाते हैं, बालों की जो क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं रहती, तो आपको मल्टी विटामिन उसकी वजह से लेने पड़ते हैं। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है एंटी डेंड्रफ शैम्पू। अगर आपके सिर में डेंड्रफ है तो आपके बाल खराब होंगे, आपके बालों की रीग्रोथ रुकेगी। तो सबसे पहले आपको बालों की जो डैंड्रफ है उसकी समस्या को दूर करने की ज़रूरत होती है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आपको चाहिए। तीनों ही चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीनों चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 6 महीने अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ जो बहुत सारे लोग नहीं बताते, कोई भी कंपनी आपको जल्दी से नहीं बताती ये बात, वो ये है कि अगर आप मिनोक्सिड यूज़ करते हैं, अगर आप फिनस्ट्राइड यूज़ करते हैं, अगर आप मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, तो मिनोक्सिडिल एक ऐसी दवाई है जो जांची परखी है आपके बालों की हेयर रीग्रोथ के लिए। लेकिन अगर आप मिनोक्सिडिल को 2 महीने 3 महीने यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं तो रिवर्स रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो मिनोक्सिडिल अगर आप यूज़ करेंगे तो ध्यान रखें कि मिनोक्सिडिल हमेशा ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 महीने मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद छोड़ देंगे तो आपके बाल हमेशा के लिए बढ़िया रहेंगे। तो बस ये चीज़ ध्यान रखें। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो मैंने आपको तरीका बताया वो भी आप शुरू कर सकते हैं। लिंक मैं तीनों चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आदिवासी ऑयल से क्या बढ़िया हो जाएंगे बाल, या
किसी और चीज़ से बड़े हो जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आदिवासी ऑयल का भी पूरा रिव्यू कर रखा है, ट्रांसप्लांट से पहले मैंने हर एक चीज़ यूज़ कर रखी है, मैंने बता रखा है, और अब इतनी नॉलेज हो चुकी है कि मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये मेरी वीडियो, और कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।